हाँ बेटा, क्लास शुरू करते हैं। बताओ हमने कितने क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 4.1 के? एक्सरसाइज 4.1 के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे बताओ फटाफट। केवल वन क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया हुआ है, आपको हर क्वेश्चन में वही अप्रोच लगानी है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की है या जितने एग्जाम्पल हमने किए हैं उनमें करी है। हर क्वेश्चन में सेम अप्रोच, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हमें दिया हुआ है बेटा, वन क्यूब, टू क्यूब, थ्री क्यूब। इसमें जब हम आगे चलते हैं तो लास्ट में आता है एन क्यूब, और हमारे पास क्या आता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू होल स्क्वायर, यही है। देखो ध्यान देना बेटा, इसमें हमें जो दिया हुआ है, इसमें हमें LHS दिया है, RHS दिया है, करना क्या है हमें, इसमें PMI मेथड लगा के इसको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, करें बेटा इसको आगे। देखो अब सारे बच्चे ध्यान से, हम इसमें PMI मेथड लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखते हैं, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या थी, चेक दिस स्टेटमेंट फॉर n इक्वल्स टू वन। आपको ये दिया हुआ स्टेटमेंट चेक करना है n इक्वल्स टू वन के लिए ट्रू है या नहीं। तो ये n इक्वल्स टू वन के लिए ट्रू है या नहीं है ये चेक करते हैं सबसे पहले। तो हम लिखते हैं फॉर n इज इक्वल्स टू वन, n इक्वल्स टू वन के लिए चेक करेंगे तो आपके पास एक तो LHS आएगा बेटा, एक आएगा RHS। LHS बेटा आपके पास केवल और केवल वन आएगा, RHS क्या आएगा बेटा आपके पास में, वन इंटू वन प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर। इट मीन्स अंदर जो ब्रैकेट में है वो आएगा आपके पास टू बाई टू, तो ब्रैकेट वाला पार्ट टू बाई टू इट मीन्स वन, और वन का स्क्वायर भी कितना होता है, वन होता है। तो यहाँ आपने देखा कि n इक्वल्स टू वन के लिए दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप देखो ध्यान से कि अगर n इक्वल्स टू वन के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम ये बोल सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू k के लिए भी ये ट्रू होगा, क्योंकि आपको एज्यूम करना है सेकेंड स्टेप में। तो जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये n इक्वल्स टू k के लिए भी क्या है, ट्रू है। तो अगर ये k n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है तो हम इसमें देखते हैं, अब वापस एक लाइन लिखनी पड़ेगी बेटा, और वो लाइन क्या आएगी देखो, वन क्यूब, टू क्यूब, थ्री क्यूब। चलते जाओ n की जगह k रख दो, इधर आपके पास आ गया k इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाय टू होल स्क्वायर, सेकेंड स्टेप आ गई है बेटा, ठीक है। अब हम इसमें आगे चलते हैं बेटा थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या बोल रही है, तो बेटा थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें जब आप थर्ड स्टेप करते हो तो थर्ड स्टेप के अंदर प्रूव दिस स्टेटमेंट फॉर n इक्वल्स टू k प्लस वन। तो हम सबसे पहले लेते हैं LHS, क्या लेंगे बेटा LHS। जब हम LHS लेंगे तो क्या आएगा ये देखते हैं बेटा, LHS में देखते हैं। तो LHS में बेटा आपके पास में आएगा वन क्यूब, टू क्यूब,
क्यूब कहाँ तक चलेंगे बेटा? के क्यूब तक तो आप ऐसे कैसे लिखोगे, लेकिन इसके आगे एन इक्वल्स टू आपको करना है के प्लस वन, और के प्लस वन के लिए करेंगे बेटा तो आप के की जगह के प्लस वन रखेंगे। तो ये आया आपके समझ में, के की जगह के प्लस वन रखेंगे, ना कि के क्यूब प्लस वन करेंगे। आप यहाँ के क्यूब प्लस वन मत करना, के प्लस वन का होल क्यूब करना, क्योंकि पहले के की जगह के प्लस वन रखना है, फिर होल क्यूब करना है। देखो अब ध्यान से, ये एल एच एस चल रहा था बेटा आपका, तो जो एल एच एस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो तो आपने निकाल लिया सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में निकाला तो क्या आएगा, के इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है बेटा, और आगे है आपके पास के प्लस वन का होल क्यूब। बेटा ब्रैकेट के अगर होल स्क्वायर क्यूब जो भी दे रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, अंदर जितने भी पार्ट हैं हर पार्ट के लगेगा वो स्क्वायर, तो हर पार्ट के अगर स्क्वायर लगेगा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ के स्क्वायर के प्लस वन का स्क्वायर अपॉन फोर, लिख सकते हैं बेटा। आगे आपके पास आएगा प्लस के प्लस वन का होल क्यूब। अब बेटा हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, जो आपके पास दो पार्ट है दोनों में के प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो के प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन आएगा तो आपके पास क्या बचेगा, देखो दिख तो रहा है आपको, यहाँ तक दिख रहा है ना। देखो बेटा यहाँ से अगर हम के प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा बेटा आपके पास में के स्क्वायर बाई फोर प्लस के प्लस वन, ये आ गया। आप इस साइड नोट कर लो, फिर हम इसको थोड़ा सा और करते हैं, आगे हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल। स्टेप वन स्टेप टू आपको नोट करनी थी, ये लो मैं रफ कर देता हूँ इसको। देखो ध्यान से, हम अब उसके आगे करते हैं, तो बेटा के प्लस वन का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया था, तो जो अंदर बचा हुआ है उस पार्ट का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर। बेटा यहाँ से आपके पास आ गया के प्लस वन का होल स्क्वायर पहले से था, अंदर जो है वो है के प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन में बेटा फोर है, तो ये सारा पार्ट आपके पास आ गया के प्लस वन का होल स्क्वायर, के प्लस टू का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया आपके पास टू का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ तक आया आपके समझ में? जब यहाँ तक आ गया तो अब हम लास्ट लाइन को कैसे लिखें, लास्ट लाइन को हम पूरे का होल पावर बना के लिख सकते हैं। होल पावर बनाएंगे तो अंदर वाले हर एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ तो है ऑलरेडी, तो हम ये लिख सकते हैं के प्लस वन इंटू के प्लस टू डिवाइडेड बाय टू और इसका कंप्लीट होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं के प्लस वन इंटू के प्लस टू का होल स्क्वायर। अब बताओ बेटा आरएचएस में अगर आप एन की जगह के प्लस वन पुट करेंगे, आरएचएस में एन को रिप्लेस करके के प्लस वन अगर आप लिखना चाहो तो यही पार्ट आएगा, कुछ अलग आएगा, यही आएगा एन की जगह के प्लस वन, ये आ जाएगा, फिर अंदर वाले एन की जगह के प्लस वन, फिर प्लस वन मतलब के प्लस टू हो गया, तो के प्लस टू ये आ गया अपॉन में टू ऐसे कैसे, बाहर का स्क्वायर ऐसे कैसे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है बेटा नोट कर लो। क्या हो जाएगा,
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, 1 2 3 फिर 2 3 4 1 2 3। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है 1 × 2 फिर बेटा 2 × 3 फिर आगे चलते जाओ फिर आपके पास आएगा n × n+1 फिर आएगा n+2 और आपके पास जो RHS है वो क्या है, RHS है बेटा n × n+1 n+2 n+3/4। ये आपका क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर लिखा हुआ है बेटा, क्या आएगा देखो। क्वेश्चन नंबर फोर लिखा है 1 × 2 × 3 फिर आगे लिखा है 2 3 4 फिर आगे लिखा है, ऐसे लिखते जाओ और लास्ट में जो nth टर्म है बेटा आपका वो है n × n+1 × n+2 और RHS आपका है n × n+1 n+2 n+3, यही तो है। अब देखो कैसे करते हैं इसको, देखो ध्यान से। सबसे पहले n=1, जैसे ही हम n=1 पुट करेंगे n=1 तो जो आपका LHS आएगा बेटा वो क्या आएगा, 1 × 2 × 3 = 6। ये आया कि नहीं आया बेटा समझ में, इतना आप लोगों को आ गया कि जो LHS था उसमें मैंने n=1 पुट किया तो आपके पास क्या आया, 1 × 2 × 3। और बेटा जो RHS आएगा वो RHS क्या आएगा, यहाँ रखेंगे 1 1 फिर 1+1 2 1+2 3 1+3 4 divided by 4, दिस इज इक्वल्स टू 6। इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। सेकेंड स्टेप में आ जाओ बेटा, सेकेंड स्टेप क्या बोल रही है आपको, स्टेप सेकेंड। नाउ सेकेंड स्टेप इज 4n इज इक्वल्स टू k, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=k के लिए आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा हमें एज्यूम करना है, मतलब मानना है। तो ये मान लेते हैं चलो, और मानेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 + 2 3 4 + चलते जाओ k × k+1 k+2 = क्या आएगा बेटा, k × k+1 k+2 k+3/4। बेटा सेकेंड स्टेप बिल्कुल आसान है, आपको किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप में कोई डाउट नहीं आएगा, केवल और केवल सिंपल सा है n को k रखना है और कुछ नहीं। हाँ थर्ड स्टेप में थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, उसको हम ध्यान से करेंगे, सीखेंगे कैसे करनी होती है थर्ड स्टेप की कैलकुलेशन। बेटा स्टेप थर्ड पे आ जाएं, अब थर्ड स्टेप क्या बोल रही है, जब आप थर्ड स्टेप करोगे तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, इसमें थर्ड स्टेप में n=k+1 करना है, उसके लिए LHS पहले सोल्व करेंगे तो LHS क्या आएगा देखो।
सबसे पहले क्या करना है, LHS लिखना है। और बेटा LHS क्या आएगा आपका, 1 2 3 2 3 4, फिर आपके पास K वाला पार्ट आएगा। और बेटा ध्यान रखना इसके आगे वाला पार्ट क्या आएगा, जब आप N की जगह K+1 पुट करोगे, जब आप N की जगह K+1 पुट करोगे तो क्या आएगा, इसी में रख के देख लो, K की जगह K+1 हो गया, फिर यहाँ K की जगह K+1 करेंगे तो K+1+1 इट मीन्स K+2, K+1 K+2 एंड K+3 हो गया। ये लो बिल्कुल आसान है, आया बेटा समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया, n की जगह K+1 पुट किया है। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी है हम सेकंड स्टेप में देखेंगे, सेकंड स्टेप में देखेंगे तो इसका इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो लिख रखी, वो रख देते हैं, K into K+1 K+2 K+3 divided by 4। आगे क्या लिखा है, ये आ गया। बेटा यहां तक कोई दिक्कत, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। अब इसके आगे आंसर ही आ जाएगा सीधा, ये देख लो आप। तो अब देखो बेटा यहां तक कर लिया हमने, हमें क्या करना है, अब इसमें कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ये तीनों फैक्टर, और ये तीनों फैक्टर, तीनों फैक्टर दोनों में है, तो क्या हम इन तीनों फैक्टर को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेते ही आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से कॉमन ले लो, कॉमन जैसे ही लोगे आप तो आपके पास एक पार्ट तो आएगा कॉमन, और ब्रैकेट में बच जाएगा K/4+1, तो ब्रैकेट में आ जाएगा K+4/4, और यहाँ आपका कॉमन वाला पार्ट, कॉमन पार्ट, और इसको मिला के RHS के बराबर आएगा। जब आप RHS में N की जगह K+1 रखेंगे RHS में N की जगह K+1 रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यही आंसर आएगा, कुछ भी नहीं करना। आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। जो क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं बता देना, उनमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो आप एक बार 5-10 क्वेश्चन आसान आसान कर लेंगे तो वो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मैं जो क्वेश्चन स्किप करवा रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखना, बता देना फिर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा। देखो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 2 3 3 4, आगे दिया है n into n+1, और बेटा इसका RHS पार्ट है आपके पास,
इसका आर एच एस दे रखा बेटा आपको एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू बाय थ्री, एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू बेटा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा कुछ है। पिछले क्वेश्चन में तीन तीन का मल्टीप्लाई था, इसमें वही क्वेश्चन वापस है, इसमें दो दो का मल्टीप्लाई है। हम करते हैं इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो फोर एन इक्वल्स टू वन, सबसे पहले एन इक्वल्स टू वन के लिए करते हैं। एन इक्वल्स टू वन के लिए करेंगे तो उसका जो एल एच एस है बेटा ये आएगा आपका वन इंटू टू, एन इक्वल्स टू टू। इसका जो एल एच एस है वो कितना आया, वन इंटू टू इक्वल्स टू टू। नेक्स्ट है बेटा इसमें आर एच एस, आर एच एस क्या आएगा बेटा आपके पास, देखो आर एच एस आएगा इसमें वन, वन प्लस वन मीन्स टू, वन प्लस टू मीन्स थ्री, डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल्स टू टू। तो क्या बेटा दोनों पार्ट सेम आए, एल एच एस और आर एच एस दोनों पार्ट सेम आए, दोनों पार्ट सेम है। दोनों पार्ट अगर सेम है तो क्या आएगा, देखो अब हम एन इक्वल्स टू के सेकेंड स्टेप करते हैं, और सेकेंड स्टेप में आपको पता है हम डायरेक्ट क्या मानते हैं बेटा कि n इक्वल्स टू k के लिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो स्टेटमेंट ट्रू है। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो अगर हम n की वैल्यू k पुट करेंगे तो आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो बेटा देखो क्या आएगा, प्लस k इंटू के प्लस वन इक्वल्स टू k इंटू के प्लस वन के प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री। ये आ गया बेटा n इक्वल्स टू k के लिए, आ गया इतना ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप क्या है आपकी, फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन, एन इक्वल्स टू के प्लस वन थर्ड स्टेप के लिए करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या लेंगे, एल एच एस। तो जो एल एच एस है वो क्या आएगा, तो बेटा एल एच एस क्या आएगा, देखो एल एच एस आपका आएगा वन इंटू टू, टू इंटू थ्री, फिर आपके पास आ गया k इंटू के प्लस वन। फिर इसके बाद वाला पार्ट बताओ, k की जगह आपको k प्लस वन रखना है, k की जगह k प्लस वन। तो इसके दो पार्ट है मल्टीप्लाई में, पहला पार्ट तो आ जाएगा k प्लस वन, दूसरा पार्ट आ जाएगा बेटा k प्लस टू डिवाइडेड बाय, सॉरी कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, बस केवल और केवल एल एच एस लिखना था, अभी तो एल एच एस लिख दिया। अब हमें एल एच एस में क्या करना है, एल एच एस में जो पार्ट यहाँ दिया हुआ है इसकी वैल्यू पुट करनी है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब इसकी वैल्यू ये लिख रखी है तो मैं बेटा इधर सोल्व कर देता हूँ इसको। एल एच एस वाले पार्ट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो आपको एक तो मिल गया के इन टू के प्लस वन और k प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री, और प्लस क्या मिला बेटा, k प्लस वन इंटू के प्लस टू, इन दोनों का प्लस करना है। तो बेटा अब आंसर क्या मिलेगा देखते हैं, यहाँ तक आ गया समझ में, देखो इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, इन दोनों के अंदर आपके पास k प्लस वन k प्लस टू दोनों में है, दोनों में है तो ये कॉमन आएगा ही आएगा, k प्लस वन एंड k प्लस टू ये आ गया कॉमन। फर्स्ट वाले पार्ट से आपके पास क्या बचेगा, तो बेटा फर्स्ट वाले पार्ट से आपके पास बच जाएगा k अपॉन थ्री, तो फर्स्ट वाले पार्ट से बच गया k बाय थ्री, सेकेंड पार्ट से बचेगा केवल वन,
फर्स्ट वाला पार्ट ई ऐसे कैसे, के प्लस टू भी ऐसे कैसे, फिर आगे वाले पार्ट में जब एलसीएम लेंगे 3 तो बेटा ऊपर आएगा के प्लस 3। तो आपका जो लास्ट रिजल्ट है वो क्या आया, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया बेटा। तो यहाँ तक हमने किया, इसमें हमने क्या किया, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 सारे आ गए। अब बेटा ये ध्यान रखना, इसमें आरएचएस जो दे रखा है, इस आरएचएस के अंदर आप एन की जगह के प्लस 1 पुट करेंगे, एन की जगह के प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा जो हमने अभी सॉल्व किया है। आरएचएस में एन की जगह के प्लस 1 पुट करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, आरएचएस आपका यही आएगा बेटा, आरएचएस आपका। आरएचएस से यही मिलेगा, जल्दी से नोट कर लो, आरएचएस और निकाल लेना बेटा, ठीक है। आगे बढ़े, तो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने कर लिए हैं, शायद ये थर्ड नहीं किया, फोर्थ कर लिया, फाइव नहीं किया, सिक्स कर लिया हमने, ठीक है। फिर अब आते हैं सेवन पे, एट नाइन टेन। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे इसी पैटर्न के हैं, क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे के सारे सेम पैटर्न के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक मैं कुछ क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ उनको आप वापस रिवाइज करना, और जो क्वेश्चन बच जाते हैं आप अटेम्प्ट करना चाहो तो एक बार अटेम्प्ट कर लेना, हम बाकी तो कर ही रहे हैं सारे क्वेश्चन। कोई बच्चा अगर अटेम्प्ट करना चाहे इनको तो अटेम्प्ट कर लेना बेटा। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन तो बेटा फिर अगली क्लास में पढ़े, बाकी आप इसको रिवाइज कर लेना, अच्छे से नोट कर लिया होगा, ठीक है बेटा। आज की क्लास केवल यहीं तक, थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं, इसको रिवाइज कर लेना, बाय।